भारतीय जनता पार्टी के उस सपने को हम याद रखें कि जींद के साथ हमने क्या करना है। जींद के प्रति हमारा एक सपना है कि जींद का विकास, भले ही यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक थे लेकिन उनका मैं मान सम्मान जरूर करता रहा हूं, बहुत श्रद्धा के मेरे पात्र थे, इतना अच्छा व्यवहार, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो कभी मेरे पास निवास पर मिलने आ जाते थे, जहां भी कहीं मिलते थे, आयु में इतने बड़े होने के बाद भी इतनी विनम्रता, उस विनम्रता से जो नमस्ते करते थे, मैं कहता था कि बेटा जी आप बड़े हैं आयु में, आप इस प्रकार से नमस्ते ना किया करो, नमस्ते करने का हक मेरा बनता है। नहीं नहीं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो एक प्रकार का, किस प्रकार से वो अपने औहदे का और बाकी सारी चीजों का ध्यान रखते थे। मिड्ढा जी के बारे में जो कुछ कहा गया है, मैं शत प्रतिशत सहमत हूं कि मिड्ढा जी की एक इच्छा थी कि जींद का विकास होना चाहिए। हमने जींद के विकास में कितने ही काम किए, कितने ही पाइपलाइन में अभी भी चल रहे हैं, और जींद के बारे में जैसा मेडिकल कॉलेज का हमने यहाँ बनवाया, 100 बिस्तर से 200 बिस्तर का अस्पताल हमने बनवाया, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ जींद पानीपत आरयूबी, जींद पानीपत की जो रेलवे लाइन है उसके जो आरयूबी में आज मैं पहली बार उसमें से निकल करके आया हूँ, तो इसका भी 19 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ है। नेशनल हाईवे 65 तीतरम से लेकर और नरवाणा तक का जो नेशनल हाईवे है उसका लाभ भी जींद जिले को मिल रहा है। इसी प्रकार नेशनल हाईवे 71 जींद से रोहतक, इसमें मुझे जरूर कहना है कि पिछले 15 साल से नेशनल हाईवे मैं देख रहा हूं, क्यों, ठेकेदारों के साथ कमीशन के सौदे ये पटते नहीं हैं, और जब ठेकेदारों के कमीशन के सौदे पटते नहीं हैं तो इनके लिटिगेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे हैं। चाहे नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली से और अंबाला तक का रहा हो, चाहे KMP कुंडली मानेसर पलवल ये मार्ग रहा हो, इतने इतने सालों से पेंडिंग काम उनको हम पूरा कर रहे हैं और उसके अंदर काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ का जो जनरल बस स्टैंड, नया बस स्टैंड 32 करोड़ का लगा करके और वो भी निर्माणाधीन है। इसी प्रकार बतख चौक से निर्जन ये 4-लेन रोड ये भी जींद की हमने ये बनवाई है, काफी बन गई है, थोड़ा हिस्सा बाकी है, वो बहुत जल्दी बन जाएगा। जितने यहाँ के तीर्थ स्थल हैं उनके ऊपर मैं स्वयं यहाँ पर एक दिन 12-13 जो तीर्थ स्थल है उस पर घूम के गया हूँ। जितने भी तीर्थ स्थल इस जिले के अंदर हैं, खास करके जो महाभारत काल के जो KDB के अंतर्गत आते हैं, उन सब का जो निर्माण कार्य वो चल रहा है। बस क्यू शेल्टर्स, 200 बस क्यू शेल्टर्स यहाँ बनने हैं, 26 का काम चालू हो गया है, बाकी बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से जो सेक्टर 9 का 132 KV सब स्टेशन ये बनकर तैयार हो गया है, ये निर्माणाधीन है अभी। जींद सोनीपत रेलवे लाइन ये बनकर के चालू हो चुकी है, बहुत काम पाइपलाइन में भी हैं। मैं काम इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर यानी बाईपास का काम, ये इतने बाईपास का जो काम जितना भी इतने सालों से पेंडिंग था वो हमने आके पूरा कराया है। तो इसलिए ये सारे काम पाइपलाइन में हैं या जो हो गए हैं या हो रहे हैं, काम करने के और बहुत हैं।